एनसीओसी के बड़े फैसले, कारोबार रात 10 बजे तक खोलने का ऐलान। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर और जरूरियात का अहम कारोबार 24 घंटे खुले रहेगा। इंडोर डाइनिंग पर 50% की इजाजत, सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले मुस्तफीद होंगे। शादी की तकरीब में आउटडोर 400 अफराद शरीक होंगे। टिकटॉक एक बार फिर बंद, सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में पाबंदी लगा दी। लाहौर में भी एप्लीकेशन मुअत्तल करने का हुक्म, फहश मवाद रोकने का कहा गया, अमल नहीं हुआ, दरख्वास्त गुजार का मौके। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं, एहतियात का दामन हाथ से न छोड़े। मुहलिक वायरस से मजीद 5 अम्बार, 24 घंटों के दौरान 55 केसेस रिपोर्ट। वादे पूरे हुए ना दावे, एक हफ्ते बाद भी एस्ट्राजेनिका नहीं पहुंच सकी। इंतजार में ओवरसीज ख्वार, एक्सपो सेंटर के बाहर लंबी कतार। एहतजाज और धरना, बुध तक रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराकें पहुंच जाएंगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम ने तसल्ली दे दी। जौहर टाउन धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलव्वस थी, तमाम नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से तफ्तीश के लिए जीआईटी बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सीटीडी ने हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश 16 घंटों में मुकम्मल की। 4 रोज में मुख्तलिफ शहरों से मुलव्वस मुलजिमान गिरफ्तार किए। आईजी इनाम गनी ने बताया मास्टरमाइंड समेत 10 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया, जिनमें खवातीन भी शामिल है। जौहर टाउन धमाका पैसों की लालच में किया, बारूदी गाड़ी खड़ी करने वाले गिरफ्तार, दहशतगर्द का एतराफ। फोर्थ शेड्यूल में शामिल दहशतगर्द कई बार बैरून मुल्क भी गया, दो भाई भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। जंग के रिहायशी ईद गुल का ज्यादा वक्त रावलपिंडी में गुजरा, पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया। न्यू अस्पताल में गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ, दर्जनों मुलाजमीन बरसों से घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते रहे। पैरामेडिक्स की मिली भगत, खजाने को करोड़ों का टीका लगाया गया। एमएस डॉक्टर इफ्तिखार का एक्शन, 50 जाली मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। दो सुपरवाइजर भी मुअत्तल, इदारे को दीमक की तरह कौन चाट रहा है, तहकीकात का आगाज। तारीखी विरसे की हिफाजत कमीशन, मस्जिद वजीर खान से मुल्हिका घरों की बहाली का प्रोजेक्ट मुकम्मल। अमरीकी काउंसिल जनरल कैथरीन रोड्रिगीज ने बहाल होने वाले घरों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर औकाफ सईदुल हसन शाह और डीजी वॉल सिटी कामरान लशारी शरीक हुए। इमारतें अमरीकी फंडिंग की मदद से बहाल की जाएंगी। IMF का दबाव काम कर गया, विफाक का खसारा सूबों के जिम्मे डाल दिया गया। पंजाब अपने हिस्से से नए माली साल में 295 अरब मरकजी हुकूमत को अदा करेगा। बड़ी रकम देने से तरक्याती मंसूबों को खदशात, तकमील सवालिया निशान बन गए। एक और बहरान का सामना, SNGPL का 3 सेक्टर्स को गैस बंद करने का ऐलान। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, CNG सेक्टर और सीमेंट इंडस्ट्री की गैस बंद, इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। गैस की सप्लाई 5 जुलाई तक मुअत्तल रहेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की नाअहली या सुस्ती, 8 माह गुजरने के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन के फीडर रूट नहीं बनाए जा सके। मुसाफरों का टारगेट पूरा करने के लिए 26 फीडर रूट बनाए जाने थे, फीडर रूट ना बनने से रेवेन्यू टारगेट बुरी तरह मुतासर। ग्रास रूट लेवल पर इक्तदार की मुंतकली के लिए हुकूमती जोश ठंडा पड़ गया। हुज्जत से निजाम चलाने की कोशिश, बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इसरार पर हुकूमत का मुसलसल इनकार। बल्दियाती ऑर्डिनेंस के कानून बनने तक किसी यकीन दहानी से माजूरी का इजहार। उदय एवाने वजीर आला ने महक पर बल्दियात की 64,000 नई असामियों की मंजूरी से इनकार कर दिया। एक्साइज टैक्सों की नई शरह, नई मराआत, नए स्लैब, रकम जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स की 2 अकसात में वसूली होगी। ई पेमेंट पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। 70 CC मोटर बाइक का टोकन टैक्स 1,000 रुपए मुकर्रर, 100 CC का 1,500 और 125 CC के 2,500 रुपए भरने होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 50% फीस रियायत, टोकन टैक्स 75% कम वसूल किया जाएगा। 2019-20 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में घपला, अदादोशुमार का घोरक धंधा। 150 अरब से इजाफा कर्जाजात कम दिखाए जाने का इंकशाफ। 180 अरब की आमदन 200 अरब दिखाई गई। PW वर्क्स अकाउंट से 13 अरब रुपए इजाफे निकलवाए, हुकूमती असासों से 15 अरब गायब हो गए। अदायगियों के लिए पेपरा कवानीन को भी मद्देनजर नहीं रखा गया।
सीनियर ब्यूरोक्रेट नबील आवान के असासों का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू। सरकारी अफसर एक बार फिर नैब में तलब। 6 जुलाई को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। पासपोर्ट ऑफिस का लिंक डाउन। डेटा कलेक्शन ना होने पर हजारों शहरियों को वापस भेज दिया गया। पासपोर्ट का इजरा भी तातुल का शिकार रहा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इंतखाब तराजात की जद में। DCUET पर जानिबदारी बरतने और सरकारी दफ्तर को सियासी अखाड़ा बनाने का इल्जाम। एक ग्रुप का गवर्नर पंजाब को खत। मुदाखलत बंद कराने का मुतालबा। काउंसिल के शफाफ इंतखाब पर जोर। रायगढ़ में सस्ती सब्जी फरोख्त करने पर मुकदमे का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस मजिस्ट्रेट काशिफ बशीर से इख्तियारात वापस ले लिए। कहा, प्राइस मजिस्ट्रेट ने सब्जियों की कीमतों का गलत इस्तगासा भरा था। गलत इस्तगासा ही गलत मुकदमे का सबब बना। लाहौर समेत पंजाब की 43 जेलों के लिए सिर्फ एक जल्लाद। महकमा जेल खाना जात में जल्लाद भर्ती करेगा। उम्मीदवार के लिए तजुर्बे की कोई कैद नहीं, सिर्फ पढ़ना लिखना जरूरी। महकमे ने 29 असामियों के लिए दरख्वास्तें मांगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रेवेन्यू कलेक्शन मुहिम। मेडिकल एंट्री टेस्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई। फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे से PMC मजमुई तौर पर 1.5 अरब कमाएगा। 1,75,000 तलबा मेडिकल टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। महंगाई की दुहाई। यूटिलिटी अलाउंस न मिलने पर तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन की हड़ताल। दफ्तरी उमूर ठप। अलाउंस के इजरा तक काम बंद कर दिया। उधर बढ़ती महंगाई के खिलाफ रिक्शा यूनियन भी सरापा एहतजाज। नाजायज चालानों के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। गर्मी की लहर में मुजर सेहत जूसेस की फरोख रोकने के लिए एक्शन। फलों का पल्प तैयार करने वाले यूनिट्स की चेकिंग। नाकी सफाई इंतजामात पर 3 को जुर्माने। 10 को इस्लाही नोटिस जारी। मातहत अदालतों में 750 जजेस की कमी से इंसाफ में ताखीर। दादरसी मुश्किल। 12 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हो गए। 10 छोटी अदालतों के जजेस की आइंदा 6 माह में रिटायरमेंट शेड्यूल। जजेस न होने से बेशर हाई प्रोफाइल केसेस की समाप्त भी मुतासर। सब्जाजार में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल। DSP की सरबराही में पुलिस ने शहरी के घर तमाशा लगा दिया। शाहकोट थाने के अहलकार बेटी और बेटे को साथ ले गए। वालिदा की दरख्वास्त पर अदालत का DSP आतिफ मेराज के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। CCPO को मामले का जायजा लेने का हुक्म। मुकामी ताजर का सूबाई वजीर महमूदुर रशीद पर कब्जे का इल्जाम। मुस्तफा टाउन के प्लॉट पर कब्जे के लिए सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीरे हाउसिंग और साथियों के खिलाफ इंदराजे मुकदमे की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। नदीम बारा की बिना इजाजत तकरीर। MD सुई गैस पर संगीन इल्जामात। स्पीकर असम्बली की तहरीक इस्तेहकाक लाने की हिदायत। आप कवायद से ना वाकिफ हैं। जानते नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात के लिए इजाजत लेना जरूरी है। चौधरी परवेज इलाही बरहम। और गवर्नर पंजाब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि आवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के साथ नहीं हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। उधर गवर्नर की उज़्बेक वफ के हमरा ओरियंट सेक्ट्री का दौरा। मियां तलत ने गवर्नर और गैर मुल्की वफ का इस्तकबाल किया।